क्या गिवन है कि पार्टिकल जिसका मास एम है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी वी, तो एक पार्टिकल लो एम मूविंग विद वी, स्टेशनरी पार्टिकल है रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे पड़ा हुआ पार्टिकल है और आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर 3m, और क्या निकालनी है कॉमन वेलोसिटी, क्या लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कोलिजन से पहले m इंटू वी और प्लस 2m इंटू जीरो, इसका तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m इंटू वी सी, लो वी सी निकाल लो आंसर। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें देखो प्लीज। क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ अ हाइट 20 मीटर, एक बॉल 20 मीटर खंभे के ऊपर पड़ी हुई है, बुलेट आया 10 ग्राम का ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आया, हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, बॉल को हिट करता है, आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, बॉल अलग और बुलेट अलग, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर और बुलेट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 120 मीटर, तो वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या थी ये बताओ। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन ऐसे है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और वो एक एक 20 मीटर डिस्टेंस एक पोल पे पड़ी हुई है, ये रही, तो ये हाइट कितना है 20 मीटर है, ये रही, तो इसके अंदर एक बुलेट है, एक बुलेट आ रहा है 10 ग्राम का बुलेट है और ये मूव करता हुआ आता है विद द वेलोसिटी ऑफ यू हॉरिजॉन्टली और इसको हिट करता है, हिट करके ये जो बॉल है ये कितने मीटर पे गिर रही है 30 मीटर पे गिर रही है, और कौन गिर रहा है बॉल, बॉल, और बुलेट जो है वो कहाँ पे गिर रहा है 120 पे, तो ये बुलेट है 120 पे ऐसे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल का है कि जब कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल गिरती है तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या होती है जीरो, दोनों के दोनों कितने समय में नीचे गिरेंगे, अब वाई एक्सिस पे लगा लेना एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू 0 + ½ gt² से टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, क्योंकि दोनों 20 मीटर ऊपर से गिर रहे हैं तो टाइम टेकन नीचे गिरने का सेम ही रहेगा, तो कितना रहेगा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में ये नीचे गिरेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 2 सेकेंड में नीचे गिरेंगे, तो अब आप एक काम करोगे एक्स एक्सिस में इसके लिए लगाओ, एक्स एक्सिस में हम इक्वेशन क्या लगाते थे एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू दो, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगी और ऐसी सॉरी बॉल आ जाएगी, बॉल आ जाएगी और बुलेट जो है बुलेट नहीं है 30 आएगा सॉरी, तो बुलेट और बॉल 120 और 30 पे गिर रहे हैं, तो बॉल के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं एस इज इक्वल टू वी टी किस एक्सिस में एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में बॉल कितनी दूरी पे गिर रही है 30, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इनटू टाइम टेकन 2, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आ जाएगी। ऐसी अगर मैं बुलेट के लिए इक्वेशन लगाऊं एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में फिर से एस इज इक्वल टू वी टी 120 डिस्टेंस पे गिरी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगी और टाइम टेकन इसका भी 2 है, तो यहाँ से आपको कोलिजन से पहले पता लग जाएगा या टक्कर के टाइम जब ये चली थी आफ्टर कोलिजन सॉरी, पता लगेगा कि बॉल और बुलेट की वेलोसिटी क्या थी, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें ये मैंने टाइम निकाला, ये मैंने बॉल की वेलोसिटी निकाल ली बाय एस इक्वल टू वी टी 15 और मैंने बुलेट की निकाल ली 60। अब क्योंकि इनकी कोलिजन हुई थी तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, टक्कर से पहले बुलेट का मोमेंटम प्लस बॉल का मोमेंटम, टक्कर के बाद बुलेट का मोमेंटम, बॉल का मोमेंटम सेम करना है। शुरू करें, टक्कर से पहले मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है, बुलेट की टक्कर से पहले वेलोसिटी तो निकालनी है, क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन है, बुलेट की वेलोसिटी निकाल लो टक्कर से पहले क्या थी, बॉल पोल पे रेस्ट पे पड़ी हुई थी इसका मोमेंटम 0, टक्कर के बाद बॉल बुलेट जो का मास पता ही है और वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, टक्कर के बाद बॉल का मास हमें पता है और वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, आंसर निकाल लेना बुलेट की वेलोसिटी आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने। ठीक, जैसे ही रहा
क्वेश्चन क्या है, इस फिगर में पी स्लाइड होता हुआ आया और क्यू को हिट करता है, तो आपको बताना है कि अज्यूमिंग कोलिजन टू बी इलास्टिक, वेलोसिटी ऑफ क्यू आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू व्हाट? पहले आप मास सेम है क्या इसका, तो क्या आंसर बोलता है, तो इसका सी का डी डी, ठीक है। तो पी 20 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से पी की क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी, कैसे, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी 2 आ रही है। अब दोनों बॉल्स का मास बराबर है, तो आफ्टर टक्कर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी, क्यू रेस्ट पे है, अब पी रेस्ट पे आ जाएगा और क्यू जो है मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी एक्सचेंज कर देना, आंसर आ जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक, एक सैंड का बैग है, ये सैंड है 9.8 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप, अ बुलेट 200 ग्राम का बुलेट है, मूव कर रहा है विद 10 मीटर्स पर सेकेंड, गेट्स एम्बेडेड, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो एम्बेडेड का मतलब दोनों इकट्ठे मूव करेंगे विद अ कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी का मतलब 200 ग्राम का मतलब 200 by 1000 kg, ये लो, तो इसको 9.8 में ऐड करेंगे तो टोटल मास दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 10 kg, कि बुलेट और ब्लॉक इकट्ठे मूव करेंगे विद अ कॉमन वेलोसिटी, टक्कर से पहले बुलेट का जो मोमेंटम है मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और सैंड तो रेस्ट पे थी, फिर बाद में 10 इनटू कॉमन वेलोसिटी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब टक्कर से पहले इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ इनटू बुलेट की एनर्जी, बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी, और सैंड तो रेस्ट पे था। फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ, दोनों का मास कितना है, 10 इनटू कॉमन वेलोसिटी, कॉमन तो निकाल लोगे, तो इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस इज लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा आएगी, एनर्जी कम आएगी, डिफरेंस निकाल लेना लॉस ऑफ एनर्जी। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा आपको कॉमन वेलोसिटी, फिर कोलिजन से पहले एनर्जी दोनों की, कोलिजन के बाद एनर्जी दोनों की, और फिर दोनों का डिफरेंस लॉस ऑफ एनर्जी, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है इसमें ऐसे। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू स्टेशनरी पार्टिकल सच दैट, जो स्टेशनरी पार्टिकल है उसका मास कितना है, 5 times। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था 4k/k+1 का होल, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना और k यहां पर 5 पुट कर देना, आंसर। बोला था ना शॉर्टकट बहुत लगता है ये वाला, क्लियर है यहां तक, तो सीधा शॉर्टकट लगाएंगे आंसर आएगा। नेक्स्ट है, बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी नॉट है, इलास्टिकली स्मॉल एम एट रेस्ट है, आफ्टर कोलिजन दोनों θ1 θ2 एंगल पे जाते हैं, यानी कि 2D कोलिजन है इलास्टिक, और द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम बाय एम, रेशियो निकालनी है एम बाय एम की, ताकि एंगल θ1 θ2 इक्वल हो जाए। तो रूल नंबर 1, ये डायग्राम आपको बनाना आता है 2D कोलिजन का, फिर मोमेंटम एक्स एक्सिस में कंजर्व करें, इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट, ये रेस्ट पे है तो ये 0 मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन इसका एक्स का मोमेंटम क्या होगा, एम वी 1 cos θ1, और इसका क्या होगा, mv2 cos θ2, ये कॉम्पोनेंट है, और साइन का जो वाई एक्सिस है, इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0 है, फाइनल मोमेंटम इसका क्या बनेगा, mv1 sin θ1, और इसका mv2 sin θ2, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, 0।
तो ये वही दो इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन की जो मैंने आपको आज आके बना के दिखाई थी, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। पर फर्क ये है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है थीटा वन थीटा टू बराबर है, तो अगर थीटा वन थीटा टू बराबर है तो अगर ये थीटा थीटा बराबर है तो साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करके वी टू आ जाएगा। इस वी टू को इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पे कहीं पुट कर लें तो, या चलो एक मिनट के लिए काम करें, ये ऐसे ही रहने दें, और वी टू को एक काम करें क्योंकि इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है, थीटा को क्या रखना है सेम। जब थीटा सेम रखेंगे तो यहाँ से ये तो मैंने बता दिया गया, तो क्या आएगा, एम वी वन इज इक्वल टू स्मॉल, यहाँ से क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू वी वन माइनस एम इंटू वी टू, तो यहाँ से वी टू की वैल्यू आएगी एम इंटू वी वन डिवाइडेड बाई छोटा एम, ये आ जाएगी, ठीक है। और ऐसी इसके अंदर भी अगर हम सॉल्व करें तो एम इंटू वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी वन इंटू कॉस ऑफ थीटा और प्लस स्मॉल एम इंटू वी टू इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा थीटा क्योंकि बराबर है, थीटा थीटा बराबर है। और आप ऐसा कर सकते हैं वी टू को रिप्लेस कर दें वी टू को यहाँ पे, तो क्या बनेगा, एम इंटू वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी वन इंटू कॉस थीटा प्लस छोटा एम, वी टू की जगह रिप्लेस करें कैपिटल एम वी वन डिवाइडेड बाई छोटा एम इंटू कॉस थीटा, छोटा एम कैंसल, तो क्या बनेगा, कैपिटल एम इंटू वी नॉट इज इक्वल टू टू इंटू कैपिटल एम इंटू वी वन इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, तो बिल्कुल सही, इसने सही बनाया, ये बन गया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में थीटा वन थीटा टू को थीटा पुट करके आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये वाली एक ये वाली, पर आंसर नहीं आया। फिर आपका एक और हथियार है इसका, और वो है एनर्जी कंजर्वेशन, वो भी चला दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी इस बॉल की हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, उसकी तो थी नहीं, और आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की हाफ बड़ा एम वी वन स्क्वायर छोटा एम वी टू स्क्वायर। तो एक काम करो, वी नॉट को यहाँ से यहाँ पुट कर दो, वी टू को यहाँ से यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करो तो ये टर्म आएगी, फिर ओपन करो मीन्स ये टर्म आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा वाली एक टर्म एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ लेके जाओगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो m प्लस एम की रेशियो निकालनी है आपको, जो m प्लस एम है वो क्या आएगा, m प्लस एम प्लस वन इज फोर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वन, तो इसने m प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो अगर मैं वन पुट कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू की मैक्सिमम वैल्यू वन इंटू फोर क्या हो जाएगा, फोर, तो मेरा आंसर लेस देन इक्वल टू फोर है, वन और सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू थ्री, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, थ्री, मेडिकल में नहीं आएगा, ऑब्वियसली नॉन मेडिकल की प्रॉब्लम है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि मतलब किसी तरीके से आपने मैथ फलों को इतना तो पता है, वो मैक्सिमम मिनिमम के लिए कॉस या साइन में फंसा लेगा और फिर ग्रेटर उसकी मैक्सिमम वैल्यू वन पुट करके आंसर निकालेगा। पर आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो कॉन्सेप्ट तो वही है तीन चीज़ों का, पर यूज़ कैसे करना है वो आपका मैथ्स है। तो ये हो जाएगा यार बेसिक कोलिजन है इसमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये लो। स्प्रिंग है, छोटा एम है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक आता है, इसे टक्कर मारता है,
वो कह रहा है जी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की एल है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, तीसरा टक्कर मारता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन दी स्प्रिंग क्या होगा? तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? स्लो मोशन में देखो, जब ये से टक्कर मारेगा उसका इंपैक्ट यहां तक आएगा, जब तक आएगा नहीं तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा। स्प्रिंग कंप्रेस होना बंद हो गया, ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों के दोनों इकट्ठे कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर ये स्लो मूव कर रहा है और ये तेज मूव कर रहा है तो स्प्रिंग तो कंप्रेस ही होता जाएगा। तो जब तक इन दोनों की वेलोसिटी ब्लॉक्स की सेम नहीं हो जाती, स्प्रिंग ने दबना बंद नहीं करना। तो मान लो इनकी वेलोसिटी सेम हो गई तो यानी कि कंप्रेशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। यही लॉजिक है। तो इसके अंदर पहले इसकी टक्कर करवाते हैं, मतलब इसकी कोलिजन तो करवाएं ताकि पता तो लगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो M और M जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? जब इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगी दे विल मूव इन अ कॉमन वेलोसिटी। तो कोलिजन से पहले फर्स्ट ब्लॉक का मोमेंटम क्या था? mu, और बाकी दो ब्लॉक्स का तो जीरो ही था। आफ्टर कोलिजन जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो गया तो दे आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी कैपिटल V, तो M प्लस M इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल V। तो इसमें एक स्मॉल m है, नहीं ये स्मॉल कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m ही है, स्मॉल m ऐसे। तो m और m दोनों मूव करेंगे विद अ वेलोसिटी ऑफ कैपिटल V, और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ स्मॉल V। तो इसमें हाँ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या आएगा? दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी? V बाई टू और V बाई टू। तो अब दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ V बाई टू, तो उस टाइम इनकी जो कंप्रेशन है वो क्या होगी? मैक्सिमम। अब लगेगी एनर्जी कंजर्वेशन, शुरू में क्या था? सिर्फ ये मूव कर रहा था हाफ एम वी स्क्वायर बस। बाद में क्या हुआ? ये दोनों मूव कर रहे हैं m और m, यानी कि 2m, छोटा m करना है इसे, बड़ा m नहीं, छोटा m है, 2 छोटा m इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, और साथ में स्प्रिंग भी कंप्रेस हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम कैपिटल V को निकाल चुके हो, V बाई टू पुट कर दो, कैपिटल M को स्मॉल m पुट कर देना, x निकाल लेना, आंसर आएगा। तो एक लगेगी एनर्जी कंजर्वेशन और एक लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, तो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन? ठीक, तो मैक्सिमम कंप्रेशन में दे विल मूव इन अ कॉमन वेलोसिटी, बस ये याद रखना और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रेशियो निकालनी है m2 m1 की क्या होगी। तो पहले ये बताओ कि कोलिजन है कौन सी, इलास्टिक की इन इलास्टिक? इसमें e तो गिवन ही नहीं है, नहीं अगर ऑपोजिट जा रहा है तो इलास्टिक भी जा सकती है बिना एनर्जी लॉस के, देखा मूव इन ऑफ हेड ऑन कोलिजन हो रही है। देखो वही कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन दे मूव विद इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन रेशियो ऑफ मास। पहली बात, तुम्हें इलास्टिक इलास्टिक ना भी पता हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही ना, नहीं पता लगा, चलो हमें नहीं पता लगा कोई बात नहीं। तो ये u1 है, ये जीरो है और हेड ऑन हो गई, एक आगे एक पीछे जा रहे हैं, तो लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन m1 u1 प्लस जीरो इज m1 इंटू माइनस v m2 इंटू प्लस v। पहली इक्वेशन है, ठीक। ये इलास्टिक कोलिजन है जो जो कि इसने यूज किया, क्योंकि नॉर्मली जब इन इलास्टिक कोलिजन होती हैं उसमें रेस्टिट्यूशंस गिवन होते हैं, वैसे मेंशन होना चाहिए था इसमें इलास्टिक कोलिजन है, नहीं मेंशन तो पहली प्रायोरिटी आपने इलास्टिक को ही देनी है,
क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में रेस्टिट्यूशन गिवन होते हैं। अगर ऐसा होता तो ई की वैल्यू हाफ वन बाई थ्री पक्का देता, नहीं दिया तो लगा लो फिर ये फॉर्मूला। तो फाइनल जो वी टू की जगह वी, वी वन की जगह माइनस वी और यू वन की जगह यू, तो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, इनको एक दूसरे में पुट करो, एम टू बाई एम वन की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थ्री टू वन, रेशो निकालनी है थ्री टू वन, ठीक है यहाँ तक। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल जिसका मास m है विद एन इनिशियल वेलोसिटी u i कैप x एक्सिस में है, कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिक विद अ मास 3m एट रेस्ट, इट मूव विद अ वेलोसिटी v j कैप आफ्टर कोलिजन, तो v क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक पार्टिकल है m, ये रहा m, और वो x एक्सिस में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ u, कोलाइड्स 3m, ये परा 3m और लाइंग एट रेस्ट ऐसे, तो इट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी जे कैप आफ्टर कोलिजन, तो वी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मतलब ये 90 डिग्री पे चला गया, मतलब ये टक्कर मारी और ये वी जे कैप, तो 3m कहां गया, एक तो चला गया ऊपर, दूसरा कहां है, सीधा जाएगा नीचे जाएगा, बोला नहीं उसने कंबाइंड, स्टिक बोलता तो पक्का स्टिक टुगेदर ना, परफेक्टली इलास्टिक है, स्टिक तो होएगा ही नहीं, एनर्जी लॉस ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 2D कोलिजन की कैटेगरी होने वाली है, 1D तो नहीं है, 2D है, पता नहीं कहां गया, कम से कम सात, वैसे भी वाई एक्सिस स्टार्ट हो गया, 2D बन गया। 2D कोलिजन में एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करना होता है, x का मोमेंटम इसका कितना है mu, इसका जीरो, आफ्टर कोलिजन m का कितना है v और 3m का कितना है, अगर तुम यहां ले जाओगे इसका x मोमेंटम ही नहीं आएगा, कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। और चलो जब y का मोमेंटम होगा तो y के मोमेंटम इसका जीरो, इसका भी जीरो, y का इसका मोमेंटम तो है, m का मोमेंटम तो, 3m का मोमेंटम ही नहीं आएगा, कंजर्व ही नहीं होगा मोमेंटम, तो 101% इसको यही जाना है, पक्का यही गया है। क्यों, क्योंकि यहां जाने से इसका एक मोमेंटम तो यहां बनेगा और एक नीचे, देखो x का मोमेंटम भी कंजर्व होगा और y का भी कंजर्व होगा, ये आपको सोचना है, अब बात बनेगी, क्योंकि इसका x कंपोनेंट भी आ जाएगा और इसका नीचे की तरफ, और मुझे y कंपोनेंट चाहिए नीचे ही था ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, इक्वेट, इसलिए इसको यही जाना पड़ेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है क्या रूल है, तो यही लगाया इसमें, ये देखो अब हर क्वेश्चन में देखेंगे वो इस तरीके से डायग्राम बना के देगा आपको, वो इसलिए क्योंकि इसका एक मोमेंटम यहां पर चाहिए ही चाहिए 3m इंटू वी इंटू कॉस ऑफ, या जो भी v डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इस तरफ 3m इंटू वी डैश इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट एनर्जी कंजर्व कर दो, इलास्टिक कोलिजन है, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 3m इंटू वी डैश स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, टक्कर से पहले मोमेंटम mu, टक्कर के बाद सिर्फ ये मोमेंटम है, बस बात खत्म, ये रही m से m कैंसिल, तो ये वेलोसिटी आ गई। y एक्सिस में दिस मोमेंटम mv इज इक्वल टू ये मोमेंटम,
इक्वेट करोगे तो ये टर्म आएगी एम सी एम कैंसिल, तो ये इक्वेशन ठीक। तो यहाँ से अब एक काम करें, इसे इसे और इसे सॉल्व कर लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे तो, सॉल्व करके अपने पास v आएगा इन टर्म्स ऑफ u, वो आप सॉल्व खुद कर लेना कैसे करना है। मेन चीज़ ये थी कि बॉल जाएगी कहाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बॉल कहाँ जाएगी और कैसे सोचना है इसमें। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करना है, इसका अगला पार्ट अभी ऑब्जेक्टिव का अगला पार्ट है एंड तक, वो भी अपलोड करवा रहा हूँ मैं इसके साथ, अभी आपकी साइट पे आने वाला है। तो पूरे का पूरा आपने एक बार ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। एम एम टू एम फोर एम एट एम मासेस पड़े हुए हैं और ये चल पड़ा, इसने इसको हिट किया। आपको ये बताना है आखिरी ब्लॉक एट एम है, तो आपको ये बताना है कि एनर्जी लॉस हो जाएगी वहां जाते जाते, तो कितना परसेंट एनर्जी लॉस हुआ ये बताओ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का पहला तरीका, पहले तुम कोलिजन सिर्फ दो ब्लॉक्स की ले लो, तो तुम इन दो ब्लॉक्स में से इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है, चिपकती जा रही हैं, मतलब ये इसके साथ चिपक के 2m बन जाएगी, फिर 2m को चिपक के 4m बन जाएगी, ऐसे करते करते 4m 8m हो जाएगी और एंड में 16m हो जाएगा। तो एक तरीका, तुम इसके परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन लगाओ, मोमेंटम कंजर्व करो, इसकी वेलोसिटी निकाल लो कॉमन, फिर इसकी टक्कर इससे मारो v कॉमन, इसकी टक्कर मत मारो, इकट्ठे ले लो, तो आप क्या करो टोटल m है और टोटल मास चिपकने के बाद क्या हो जाएगा 16m। तो सीधा लगाओ एम वी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल कितना 16m इंटू वी डैश, सीधा 16m वी डैश। तो जितनी प्रॉब्लम परफेक्टली इन इलास्टिक की है, कितने भी ब्लॉक्स रख दे इकट्ठा कर लो, क्योंकि एंड में तो चिपक के 16 है माना ही आना है, और एक ही बारी में फाइनल वेलोसिटी वी डैश निकाल लो। अब आपको लॉस एनर्जी निकालनी है, परसेंटेज चेंज एनर्जी निकालनी है, तो टक्कर से पहले सिर्फ पहला ब्लॉक मूव कर रहा था हाफ एम वी स्क्वायर, टक्कर के बाद 16m मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v बाय 16, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, और यहाँ से चेंज परसेंटेज निकाल लेना, इनिशियल पता है फाइनल पता है, परसेंटेज या लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेना, परसेंटेज पता है ना, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेना, p परसेंट आएगा, मतलब कहने का मतलब तुमने इसमें इकट्ठा लेना है बस, ये याद रखना। ये लो
तो क्वेश्चन है, पार्टिकल ए जिसका मास m1 है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ रूट थ्री आई जे कैप, कोलाइड विद अनदर पार्टिकल बी ऑफ मास m2 इनिशियली लाइंग एट रेस्ट। v1 वेक्टर, v2 वेक्टर वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी हैं आफ्टर कोलिजन। आपको मासेस की रेशियो गिवन है, तो आपको v1 वेक्टर पता है, एंगल बताना है v1 वेक्टर v2 वेक्टर में। ये वेक्टर की प्रॉब्लम है, दो वेक्टर में एंगल कैसे निकलता है, कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। तो आपको v2 वेक्टर ढूंढना पड़ेगा तक एंगल निकाल सको। अब v2 वेक्टर कैसे ढूंढोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टर फॉर्म में लगा दो। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या है, m1 u1 वेक्टर, सेकंड बॉल तो रेस्ट पे है, पी आई वेक्टर आ गया। पीएफ क्या है, m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर पता है, फर्स्ट बॉल का और सेकंड का v2। तो मैंने इक्वेट करके क्या निकाल लो, पहले v2 वेक्टर निकाल लो बस, फिर cos थीटा का फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा 105 के आसपास। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, ठीक पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको थोड़े एंड में कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं ऐसे, क्योंकि हमने जो कोलिजन की ना वो एक ही स्टैंडर्ड की कि बॉल सीधी आ रही है और फिर 2D बन रहा है। देखो इसमें बॉल भी टेढ़ी आ रही है और जा भी 2D है, 2D आई 2D गई, कॉन्सेप्ट वही है। इसके अंदर ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन्स हैं, बस फर्क ये है कि आपका इनिशियल मोमेंटम ऐसा है और फाइनल ऐसा है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है। निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ v1 और v2 निकालना है। चलो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस फर्क यह है कि इसका डायग्राम डिफरेंट है। डायग्राम इसमें कैसे बनने वाला है, डायग्राम इसमें ऐसे बना लेना, ये लो इसमें ऐसे बना लेना, ये इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है कितना, m इंटू 10, एक x का कॉम्पोनेंट है और एक y का कॉम्पोनेंट है, अगर ये 30 तो ये भी 30 है, 10m into cos of 30, यहां पर बनाना 10m into sin of 30, फिर यहां बनाना 2m into v1 है तो ये 30 डिग्री ले लेना, 2m into v1 into cos of 30, 2m into v1 into sin of 30, फिर ये ले लेना, m into v2 मोमेंटम है तो ये 45, तो ये भी 45 है, m इंटू वी टू इंटू कॉस ऑफ 45 और m इंटू वी टू इंटू साइन ऑफ 45, ऐसी ये ले लेना। इसका मोमेंटम 10m है अगेन, 5 इंटू 2m और ये 45 है, तो 10m इंटू कॉस ऑफ 45 और एक 10m इंटू साइन ऑफ 45। कोलिजन से पहले x का मोमेंटम कितना है, दिस प्लस ये फर्स्ट बॉल से, हाँ दिस प्लस दिस वेक्टर, x सिर्फ x का इक्वल टू कोलिजन के बाद कितना है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, एक ही क्वेश्चन हो गई। इनिशियल टक्कर से पहले x की वैल्यू के इक्वल है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब कोलिजन से पहले x का मोमेंटम है, इसका x का मोमेंटम है, ये कोलिजन के बाद इसका एक्स का मोमेंटम है और इसका एक्स का मोमेंटम है, तो इनिशियल एक्स का मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एक्स का मोमेंटम, एक ही क्वेश्चन। वाई एक्सिस में इनिशियल वाई के अलोंग ये माइनस पुट करना, माइनस 10m साइन 30, ये प्लस पुट करना, प्लस 10m साइन 45 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम प्लस 2m v1 साइन 30 माइनस m v2 साइन 45। तो y का मोमेंटम y के इक्वल, x का मोमेंटम x के इक्वल, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। और इससे बात नहीं बनी तो एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेना, हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम मतलब इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी इक्वल टू इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, आंसर आ जाएगा। तो आपको तरीका समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आएगी, ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने उसके अंदर सॉल्व की हुई हैं, तो प्लीज़ उसको जाके अपने PY की बुक रखना और सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है यहाँ तक। तो कोलिजन का आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि कैसे चलेगा।